दोस्तों आज प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या से दो अलग तरह की ट्रेनों को हरी झंडी दी है, जिसमें 6 वंदे भारत एक्सप्रेस थी और 2 अमृत भारत है। ये भारत के लिए नई ट्रेन है। क्या वंदे भारत और अमृत भारत का कंपैरिजन है, हम दोनों को बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वंदे भारत और अमृत भारत में आपको खाने के लिए क्या सुविधा मिलेगी और अन्य प्रकार की सुविधाएं इस ट्रेन में क्या होगी जो अभी तक अन्य ट्रेनों में नहीं मिला करती थी। चलिए शुरू करते है वंदे भारत के खाने से। जो लोग वंदे भारत में जा चुके हैं वो तो खाने से परिचित होंगे, लेकिन नियमानुसार खाने में क्या मिलता है वंदे भारत में, चलिए वो बता देते हैं। अगर आप वंदे भारत में गए होंगे, ये नहीं मिला होगा, तो आप डिमांड कर सकते हैं। देखिए, जो चेयर कार होता है उसमें खाने का जो मूल्य होता है, सुबह के नाश्ते का जो मूल्य होता है, वो 122 रुपए होता है। अब ये आपके टिकट के साथ इंक्लूड रहता है और इसको आप हटवा भी सकते हैं। अगर आप अलग से लेंगे वहां पर नाश्ता, तो इसके बदले आपको 50 रुपए अधिक देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह आपको क्या दिया जाता है? सुबह आपको चाय, ग्रीन टी, लेमन टी विकल्प के साथ प्रीमिक्स आधारित चाय कॉफी के साथ ब्रांडेड डाइजेस्ट बिस्कुट भी सर्व किए जाते हैं, ये सुबह नाश्ते में। और नाश्ते के लिए इसके अलावा शाकाहारी विकल्पों में भरवा पराठा, सब्जी, कटलेट, ब्रांडेड दही, अचार, उपमा, पोहा, कुलचा, छोले शामिल है। और ये विकल्पों के आधार पर मिलते हैं, मतलब अगर आपको उपमा मिलेगा तो पोहा नहीं मिलेगा, छोले कुलचे मिलेंगे तो ये नहीं मिलेगा। और ये अलग अलग रूटों पे अलग अलग चीजें हैं। जैसे दिल्ली वाले रूट पे चल रहे हैं तो आपको छोला कुलचा मिलेगा, बिहार वाले रूट पे चल रहे हैं तो आपको कुछ और मिलेगा। जो जिस जगह के लिए ज्यादा उपयोगी होता है वो इस चीजों में रखा जाता है, लेकिन इसका जो मूलभूत रेट रहता है वो 112 होता है। इसी में एक और बोगी लगती है एग्जीक्यूटिव क्लास में, जिसमें थोड़ा सा किराया महंगा होता है, उसमें नाश्ते का चार्ज जो होता है वो 155 रहता है। होता दोनों नाश्तों में से लगभग समान, एक ही चीज, एक दो चीज अधिक रहती है, लेकिन इसका इससे महंगा होता है। हालांकि उसमें एग्जीक्यूटिव लोग रहते हैं, थोड़े सेंसिटिव होते होंगे, हो सकता है वो। इसमें चाय के लिए ग्रीन टी, लेमन टी, विकल्प टी, प्रीमिक्स आधारित चाय कॉफी बिस्कुट जो यहां पर लिखा है वही यहां पर है। नाश्ते के लिए दूध, चीनी, कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स। अब देखिए इसमें ओट्स ओट्स आपको नहीं दिखाई दे रहा था, इसमें ओट्स वगैरह। शाकाहारी विकल्पों में पराठा, कटलेट, ब्रांडेड दही, उपमा, पोहा, कुलचा, छोले। इसके अलावा पनीर के सैंडविच, केक, मौसमी फल, केला, सेब, संतरा जैसी चीजें भी इसमें उपलब्ध रहती हैं। ये एग्जीक्यूटिव क्लास के बता रहा है। एक ही ट्रेन में लगभग 14 बोगियां कहीं कहीं, जो बता रहा हूं कि अधिकतम कितनी हो सकती है वंदे भारत में, कहीं कहीं जहां 14 बोगियां लगती हैं वहां 2 में एग्जीक्यूटिव लगता है। अच्छा, ये चीजें बदली हो सकती हैं, लेकिन रेट मूलभूत यही रहता है 122 रुपए और 155 रुपए। और इसमें वेज और नॉनवेज का भी अलग अलग सेगमेंट होता है कहीं कहीं पर। अगर आप गए होंगे वंदे भारत में तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको खाने के लिए का क्या मिला। अब जो शाम का स्नैक्स है, अच्छा वंदे भारत दिन में चलने वाली ट्रेन है तो शाम भी हो जाती है, तो शाम के स्नैक्स के लिए 66 रुपए चार्ज किया जाता है और एग्जीक्यूटिव क्लास में 105 रुपए चार्ज किया जाता है। तो जो शाम के चार्ज किया जाता है उसमें सूखी कचौरी, समोसा, पनीर सैंडविच, पॉपकॉर्न, लस्सी, फ्लेवर्ड मिल्क, ग्रीन टी, लेमन टी, यही सब चीजें शामिल होती हैं। ये आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर दी जाएगी, लेकिन 66 रुपए है। इसे आप अगर उसमें मर्ज करेंगे टिकट में तो ठीक है, वरना आप अलग से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेन में आप इसको लेते हैं तो आप ट्रेन में लेंगे तो 50 रुपए इसका और अधिक देना पड़ेगा, लेकिन अगर टिकट के साथ इंक्लूडेड लेते हैं तो आपको मात्र 66 रुपए देना पड़ेगा। मैं IRCTC का प्रचार नहीं कर रहा हूं, बस आपको सुविधा के लिए बता रहा हूं कि ये सारी चीजें होती हैं। और जो लोग वंदे भारत से मेरे दर्शक गए होंगे वो मुझे कॉमेंट करके बताएंगे कि ये चीजें कितनी आपसे मैच कर रही हैं। चलिए, एग्जीक्यूटिव क्लास में 105 रहता है। इसमें उपमा, पोहा, नूडल्स, चॉकलेट बार, सूखी कचौरी, समोसा, पनीर सैंडविच, ब्रांडेड पॉपकॉर्न, लस्सी, ये सारी चीजें नींबू चाय विकल्प के साथ प्रीमिक्स सर्वे किया जाता है। इसी तरह का एक टेबल आ जाएगा, जैसे ही आप जाएंगे उसमें तमाम चीजें आपको खाने पीने के मिलेगी। जो साथी मेरे फ्लाइट से सफर करते हैं तो उसमें कुछ फ्लाइट ऐसे होती हैं जैसे एयर इंडिया, इंडिगो, इसमें लोकल फ्लाइट जब आप सफर करेंगे जैसे लखनऊ से दिल्ली, तो आपको खाने के लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा। लेकिन विस्तारा वगैरह
आगरा में आप फ्लाइट करेंगे तो आपका पैसा पहले से ही रहता है और आपको खाने के लिए तमाम सुविधाएं दी जाती है। हवाई जहाज को ट्रेन जैसा बनाने की वंदे भारत में कोशिश की गई है। आगे मैं अमृत भारत से इसका बताऊंगा कंपैरिजन क्या होता है। खाना आपको देख लेते हैं। अब खाना वंदे भारत का देख के, मैंने अभी तक सफर नहीं किया वंदे भारत में, मैं बस बता रहा हूं, खाना देख के वंदे भारत का लगता है कि हाँ भाई कुछ खाना खा रहे हैं। और जो लोग इसका रिव्यू भी करते हैं, मैंने रिव्यू देखा है कई, तो रिव्यू भी बहुत शानदार लोग बताए हैं कि इसका वंदे भारत का जो खाना रहता है वो बड़ा शानदार रहता है। इसमें रहता क्या क्या अब यहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, दाल है यहाँ, मटन है यहाँ, सलाद है और यहाँ नेस्ले का दही है, यहाँ पर चावल है, यहाँ पर पराठा है, यहाँ पर अचार है, इसमें भी वही चीजें, गुलाब जामुन और ये नहीं चटनी थी, और ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। चलिए देखिए क्या रेट है इसका, ये बता दे रहा हूँ। चेयर कार के लिए 222 रुपए चार्ज किया जाता है, जिसमें कश्मीरी पुलाव, कई प्रकार की दाल, हफ्ते में दाल मखनी, दूसरे हफ्ते में पंचमेल, तीसरे हफ्ते में दाल तड़का, इसी तरह पनीर की वैरायटी है, पहले हफ्ते में पनीर बटर मसाला, दूसरे में शाही पनीर, तीसरे में कढ़ाई पनीर, चौथे में नौरतन कुरमा, और इसके अलावा नॉनवेज में कभी मटन, कभी चिकन, कभी अंडा करी, इस टाइप की चीजें आपको इंक्लूड करके दी जाती हैं। लेकिन इसका चार्ज 222 है, और इसी में जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उनके लिए 244 रुपए रखा गया है। अब इसके साथ साथ वो लोग 244 रुपए में और क्या ले सकते हैं, उनके लिए टमाटर का सूप, मिक्स वेज का सूप, स्वीट कॉर्न सूप, कश्मीरी पुलाव, कई प्रकार की दाल, पनीर डिशेज ऐसे आपको दी जाएंगी, मतलब जो मांगेंगे वो दिया जाएगा। अब चलिए मैं आपको कंपैरिजन करके बता देता हूं दोस्तों कि कंपैरिजन कैसे है अमृत भारत का, जो नई ट्रेन प्रधानमंत्री ने आज शुरू की है अयोध्या से, और वंदे भारत का, इसको कंपैरिजन करके बताता हूं। अब कंपैरिजन में कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी और हो सकता है नहीं आए, आप कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। देखिए एक तरफ है अमृत भारत, दूसरा है वंदे भारत। अब वंदे भारत में ट्रेन का प्रकार जान लेते हैं, लोकमत चालित है, लोकोमोटिव चालित है, पुल पुश पर आधारित ये ट्रेन है, और ये इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, पुल पुश क्या होता है। अब जो आप ये ट्रेन देख रहे हैं अमृत भारत, इसमें दो इंजन पीछे से लगा रहेगा, पीछे वाला पुल करेगा, पीछे वाला पुश करेगा और आगे वाला पुल करेगा, दो लगा रहेगा, इससे स्पीड अच्छी बनी रहेगी। और ये इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है, हालांकि इलेक्ट्रिक ट्रेन ये है, मल्टीपल यूनिट ये है, इसमें ये है कि हर बोगी में एक तरह का मोटर जनरेट है, इसी तरह से यही कारण है कि वंदे भारत स्पीड बहुत अच्छी पकड़ लेती है। चलिए दूसरा बता देता हूं सेवा, इसकी जो अमृत भारत ट्रेन होगी वो 1000 किलोमीटर या उससे ज्यादा का सफर तय करेगी। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली, गोरखपुर से दिल्ली की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है, तो इससे दूर दूर की दूरी, पंजाब अगर जाना है तो इस टाइप की ट्रेन जा सकती है। लेकिन वंदे भारत की दूरी कम दूरियों के लिए चलाई जाती है, मिनिमम अधिकतम 500 किलोमीटर, जैसे लखनऊ से दिल्ली, थोड़ा सा दिल्ली से, और इसी तरह वंदे भारत की जो दूरी है औसतन दूरी वो 500 किलोमीटर से आसपास रहती है, उससे ज्यादा या कम नहीं होती है, जैसे कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती है। अब कक्षाओं में बात कर लेते हैं, अब क्लासेस क्या होती हैं। देखिए अमृत भारत एक्सप्रेस में 12 स्लीपर लगाए जाएंगे और 8 अनारक्षित डब्बे लगाए जाएंगे, और वंदे भारत में 14 चेयर कार लगाई जाएगी और 2 एग्जीक्यूटिव लगाई जाएगी। एग्जीक्यूटिव मैंने अभी शुरुआत में बताया, इसमें खाना थोड़ा महंगा होता है और सीट जो होती है थोड़ी दमदार होती है, ऐसे चारों तरफ आप नचा के घूम सकते हैं, रिक्लाइनर है, सो के जा सकते हैं, सोने उसमें प्लग इन की सुविधा है, पढ़ने की सुविधा, थोड़ा इधर उधर मूवमेंट करने की सुविधा, ये अधिक रहती है। लेकिन जो विदाउट एग्जीक्यूटिव क्लास रहता है, कॉमन रहता है, चेयर कार रहता है, उसमें जैसे आप अगर हवाई जहाज में गए तो 3 इधर बैठे हैं, 2 इधर बैठे हैं, इस टाइप की सुविधा उसमें उपलब्ध रहती है। अच्छा अधिकतम गति की बात कर लेते हैं, ये जो है अमृत भारत इधर जो आप देख रहे हैं ये 130 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी, और वहीं वंदे भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी। लेकिन वंदे भारत की एक नई स्पीड आई थी बीच में, वो 183 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। अब एयर कंडीशन की बात कर लेते हैं, इसमें सेंट्रल एयर कंडीशन मतलब टोटल एयर कंडीशन नहीं है, एयर कंडीशन वाली बोगी जैसे पर वो तमाम चीजें आप देख रहे हैं ना, जैसे अन्य ट्रेनों में होती है वैसे ही इसमें है, टोटल में एसी नहीं है, लेकिन वंदे भारत जो है उसमें पूरा सेंट्रल एसी है, और एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से पूरी दिखाई देगी और एकदम पैक और सारी चीजें रहेंगी। ऑन बोर्ड खान पान वंदे अमृत भारत जो यहां आपको आज प्रधानमंत्री जी ने जैसे
हरी झंडी दिखाई है। इस पे आपको ऑन बोर्ड खाना नहीं मिलेगा। अन्य ट्रेनों की तरह जैसे आप जाते थे स्टेशन के पे लोग आके खाना पूछते थे पेंट्री कार वाले, या इसमें जो दो एक्स्ट्रा बोगी लगाई जा रही है अमृत भारत में उसमें एक पेंट्री भी दिया जा सकता है। तो हो सकता है लोगों के आधार पर कि लोग कितनी डिमांड करते हैं उस आधार पर पेंट्री लगाई जाएगी, नहीं तो जगह जगह रेलवे आपको खाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। और वंदे भारत में आपको ऑन टेबल खाने की सुविधा उपलब्ध होती है। एक बढ़िया सा आदमी आता है टाई बेल्ट लगा के जो आपके टेबल पर आपको खाना देकर चला जाता है और उसका पैसा भी पहले से ही ले लिया जाता है। हालांकि कुछ लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते समय खाने का पैसा नहीं देते हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। स्वचालित दरवाजे, अब स्वचालित दरवाजे अमृत भारत में नहीं लगाए गए हैं लेकिन वंदे भारत में लगाए गए हैं। स्वचालित दरवाजे का मतलब मैं समझा देता हूं, जैसे मॉल वगैरह में आप जाते होंगे अपने आप दरवाजे खुल जाते होंगे, वंदे भारत में वैसे ही दरवाजे लगे हुए हैं। जो लोग वंदे भारत में गए होंगे उन्हें पता होगा। सीलबंद गैंवे इसमें भी है और इसमें भी है। अब सीलबंद गैंवे का मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो दोनों ट्रेनों के बीच जो आप देखते होंगे एक जोड़ने के लिए एक बनाया जाता है एक हिस्सा। कई कई ट्रेनों में आप चलते होंगे तो इस ट्रेन से जब आप उस ट्रेन जाते होंगे बाथरूम के बगल में तो वो हिस्सा ऐसे ऐसे हिलता होगा। लेकिन नई ट्रेनें जो अमृत भारत या वंदे भारत आई हैं वो एकदम मेट्रो के तर्ज पे है। अगर आप कभी मेट्रो गए होंगे तो एक बोगी से दूसरे बोगी कैसे चले जाएं पता ही नहीं चलता है। यही इसमें भी है कि बीच में कुछ गिरने का, बदबू आने का, नीचे से धूल आने का, आवाज आने का कोई चांस नहीं है। गाड़ी बंद रहेगी तो मतलब बंद रहेगी। तो इसी को बोलते हैं सील बंद गैंगवे। और बीच में हवा हवा कुछ नहीं आने वाली है। तो मतलब अगर कोई किनारे भी खड़े होकर आराम से ले रहा है, फोन से बात कर रहा है और दरवाजा बंद है तो जो भड़बड़ तड़तड़ की आवाज आती थी वो नहीं आएगी। वे संरक्षित संरक्षा सेवाएं, अब इसमें सीसीटीवी कैमरे हैं इसमें अमृत भारत में, लेकिन वंदे भारत में क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं? सीसीटीवी कैमरे हैं, धुआं अलार्म है, विद्युत अग्नि सुरक्षा है, केंद्रीकृत कोच निगरानी प्रणाली है, यात्री आवाज संचार है, आपदा प्रबंधन रोशनी है। अब इतनी चीजें वंदे भारत में है लेकिन इसमें अमृत भारत में इतनी चीजों को नहीं रखा गया है। अब सीसीटीवी कैमरा तो आप समझ गए होंगे, धुआं अलार्म, जैसे मान लीजिए कोई अचानक वंदे भारत में सिगरेट बनने लगा तो उसके पा 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 अलार्म बजने लगेगा। कभी कभी आप ट्रेन में जाते होंगे तो आप इरिटेट हो जाते होंगे किसी से, बगल में कोई सिगरेट पीने लगता है या इस टाइप का कोई शराबी घुस जाता है तो ये अपने आप अलार्म बज जाएगा और वहां पे लोग पहुंच जाएंगे। विद्युत अग्नि सुरक्षा, अगर अगर कहीं से एक आग लग जाती है तो जो फायर वाला वो है वो जलेगा। केंद्रीय क्रोच निगरानी प्रणाली, एक टीम बनाई गई है जो हर जगह सीसीटीवी को निगरानी करेगी कि कौन से कोच में क्या हो रहा है, चोरी तो नहीं हो रही है, कोई उठा तो नहीं ले रहा है। हालांकि ये 500 किलोमीटर का ही सफर है लेकिन आपके कोच की निगरानी प्रणाली के लिए कुछ लोग बिठाए गए हैं। यात्री आवाज संरचना, आपदा प्रबंधन रोशनी, मतलब आप बटन दबाएंगे तो वहां वहां इस टाइप की चीजें होने लगेगी। अन्य सुविधाएं, बिजली आउटलेट, अब अमृत भारत में आपको क्या बिजली आउटलेट मिल रहा है? बिजली आउटलेट, बायो वैक्यूम शौचालय, सेंसर आधारित पानी के नल, यात्री सूचना प्रणाली। अब आप नई ट्रेन में अगर अमृत भारत में बैठेंगे तो पुरानी ट्रेन वाला ही किराया रहेगा। हालांकि ये सूचना है कि 10-12% ये किराया बढ़ा होगा अमृत भारत में, लेकिन जब आप पुराने नल की तरह हाथ लगाएंगे तो वो नहीं होगा। सेंसर की तरह जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं ये रहेगा। बिजली आउटलेट हर यात्री के लिए ध्यान रखा गया क्योंकि अब हर आदमी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए सबको एक मोबाइल का जो है वो चार्जर पिन खोसने वाला दिया गया है। यात्री सूचना प्रणाली इसमें भी है और बायो वैक्यूम शौचालय इसमें भी है। लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस में क्या क्या है वो मैं बता दे रहा हूं। बिजली आउटलेट, वैक्यूम शौचालय, सेंसर आधारित पानी के नल, यात्री सूचना प्रणाली, रेक्लाइनर सीटें आप देखेंगे, पढ़ने का प्रकाश, फुट वॉकी और ऑनबोर्ड वाईफाई, मनोरंजन प्रणाली, गंध नियंत्रण प्रणाली। अब दो चीज अगर आप नहीं समझे होंगे तो वो मैं बता दे रहा हूं। जैसे एक ऑनबोर्ड वाईफाई, मतलब इसमें वाईफाई है, आपके बोर्ड से ही कनेक्ट हो जाएगा, आपको एक वो देना होगा, पासवर्ड उसका बताना होगा और कनेक्ट हो जाएगा। अब गंध नियंत्रण प्रणाली, ट्रेन में गंध की सुविधा और दुविधा हर जगह पे रहती है, बदबू करने लगता है तो वो गंध ना आए इसके लिए इसमें नियंत्रण प्रणाली लगाई गई है, वो थोड़े थोड़े देर पे स्प्रे होता रहता है। पढ़ने का प्रसार, रेक्लाइनर सीटें आप समझ ही गए होंगे और ये सारी चीजें आपने समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें टिकट की कीमत कम है और इसमें उच्च है, बढ़ती घटती रहती है। हवाई जहाज
की सी टिकटों की तरह वंदे भारत की ट्रेन भी इधर उधर बढ़ती रहती है। किराया मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह अलग अलग किराए होते हैं, लेकिन एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे नई दिल्ली से कटरा का किराया 1630 रुपये है, ये निर्धारित किराया है, इससे आगे पीछे हो जाता है, जब डिमांड अधिक बढ़ती है तो ये आगे पीछे हो जाता है। इसमें रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, फेयर किराया 1120 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST 61 रुपये है। और इसी का अगर एग्जीक्यूटिव क्लास लेंगे जिसमें वो महंगा वाला खाना मिलता है, चेयर मतलब पैर पसारने वाला चेयर कार होती है, तो उसी का किराया 3015 रुपये है, जिसमें फेयर जो किराया है वो 2337 है, 60 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है, 75 रुपये सुपरफास्ट चार्ज है, GST 124 रुपये है। इसी तरह का किराया वंदे भारत में है। और जो अमृत भारत का किराया है वो आम एंड एक्सप्रेस, जैसे आप गोरखधाम में बैठते होंगे, बिहार संपर्क क्रांति में बैठते होंगे, इस टाइप की ट्रेनों में बैठते होंगे, ये भी उसी टाइप की ट्रेन है, लेकिन ये आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नई देखने को मिलेंगी। एक तरह से कहा जाए कि पुरानी वाली ट्रेन को मॉडिफाई करके नई ट्रेन बना दिया गया है, और ये साफ़ सुथरी भी अच्छी रहेगी। हालांकि पुरानी ट्रेनें भी अब साफ़ सुथरी होने लगी थी, अच्छी होने लगी थी, अगर पैसेंजर की बात ना की जाए, कोई भी सुपरफास्ट क्लीन दिखता था, लेकिन ये नई वाली ट्रेन में अधिक सुविधाओं के साथ साफ सुविधा की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। फिलहाल आज प्रधानमंत्री अयोध्या में थे, अयोध्या में वो हजारों करोड़ का शिलान्यास किए हैं, लोगों को गिफ्ट दिए हैं और तमाम चीजें दिए हैं। उसी में 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनें भी लोगों के लिए शुरू की गई हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दी है। अब लोग इससे कितना खुश होते हैं, आप कितना खुश हैं, क्या सोचते हैं, इसके विषय में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि टीवी चैनलों पे और हर जगह ये चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रेनों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जिसमें गरीब लोगों को सुविधाएं उतनी जो पहले मिलती थी कि कोई भी गरीब आदमी कम पैसे में लंबी दूरी तय कर लेता था, अब वो सुविधाएं धीरे धीरे अमीरों की तरफ बढ़ते चले जा रही है। इस विषय पर भी अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा।